आगे पर आशीर्वाद होगा। हमारे प्रधान है कठुआ सतगुरु कबीर जय कबीर जय कबीर। आज 506वें एक निर्माण दिवस संत कबीर जी महाराज के उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इकट्ठे होने का। यहाँ यही मतलब है कि गुरु के चरणों में शीश झुकाएं और उनके बताए हुए रास्ते, कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं होती। गुरु है तो इंसान को जीवन का एक चलने का मार्ग मिलता है। संत कबीर जी बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़ा नाम था। 15वीं शताब्दी में जब वो यहाँ प्रकट हुए लहर तारा तालाब में, कहते हैं उनके कमल के फूल पे उनका बचपन में वो मिले, और जब वो इस दुनिया से गए तब भी उनका जो शरीर था वो फूल ही मिले उनको, वहां पे शरीर नहीं उनका मिला। तो बहुत बड़े महान संत हैं, बड़े निडर कवि थे, बड़े समाज सुधारक थे। उस वक्त वो प्रकट हुए जब पूरे 15वीं शताब्दी का भक्ति काल में एक बहुत बड़ा प्रचंड था, धोखेबाजी का और एक गुलामी का। उस वक्त उन्होंने हिंदू को मुस्लिम को सबको इकट्ठा करके एक जोर दिलाई, और इसलिए हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के सब आज भी उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनकी जो बताई हुई जो उनके रास्ते हैं, जो बताए हुए उनके दोहे हैं, आज भी देखो उनके जो दोहे हैं उन पे एक वो चल रही है। अपना यहाँ लोग पीएचडी करते हैं ना, उसकी एक रिसर्च होती है। आज भी वो कहते हैं कि संत कबीर जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो दोहे लिखे हैं उनके इतना जोर कैसे है, इतनी ज्यादा ताकत कैसे है, वो अभी तक लोग उस पर रिसर्च करते हैं, पीएचडी होनी है। ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हम उस संत के पुजारी हैं जिनका एक बड़ा नाम है। कहने का भाव मेरा ये है कि अगर हम अपने गुरु की उंगली पकड़ के रखेंगे ना, हमको सारा कुछ जीवन में अच्छा लगेगा, हमको सुख भी मिलेगा, हमको शांति भी मिलेगी, हमारे काम भी अच्छे होंगे, हमारा प्रभाव भी बढ़ेगा बढ़ेगा। इसलिए अपने सतगुरु पे आप सबको विश्वास करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। और मैं अपनी माताओं बहनों से जरूर कहूंगा कि अपने बच्चों का शिक्षा की तरफ जरूर ध्यान। अब मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं हमारे रिटायर्ड डीसी। ये बड़ी खुशी की गल है कि 40 साल की लंबी सोच, 40 साल की जी मेहनत और 40 साल का तुम्हारा साथ अज घर घर कबीर महाराज का नाम लिया जा रहा, और मन के बीच दिल के बीच एक ही एजेंडा, एक ही चाहत के संगत के दर्शन करने का। कबीर महाराज का दर्शन जम्मू भी बेहिया करी सकने, अस अपने मंदिर च भी बेहिया करी सकने, सत्संग उत्थे भी सुन सकने, लेकिन जेड़ा तुंदे प्रति प्यार, संगत दे प्रति प्यार, ओ सानू उत्थे नहीं लगी सकदा। इसलिए 14 साल दे प्रधान और 28 फंक्शन तुंदे होंगे, एक अद्धे की छड़ी है बाकी तुंदे दर्शन करदे आए, और तुंदी नजर च जेड़ा प्यार कबीर महाराज के प्रति जेड़ा प्यार है, जिला नजरे के नजर से मिलाने हैं, तो उस कबीर महाराज का दर्शन हो। कबीर महाराज का आखना है प्यार ही इंसान है, प्यार ही परमात्मा है, तो उस परम पिता का जरा प्यार है वो अस परमात्मा के सामने नहीं दिख सकते, लेकिन उसके बनाए गए जीव जेड़े ने जिंदे च वो खुद बैठे दे ने उनके अस दर्शन कर सकते हैं। ये रूह जिन्हिया बैठी ने एक कोला एक वजी है, एक ऐसी कमी है इनके विच कि कई रूह ऐसा ने उस परम पिता परमात्मा के भी मिली दी ने, और उन्हें भी जरा देखने जी सत्संग
सही सत्संग का जरा मकसद है कि जिसने सारिया रूह किटिया होंगे चंगिया रूह भी होंगे माड़िया रूह चंगी माड़ी रूह कोई फर्क नहीं लेकिन कुछ ऐसा रूह जेड़े उस प्रभु के बिल्कुल क्लोज ने कुछ ऐसा रूह उस परमात्मा को बड़िया दूर ने इतने आनी है दूर के नजदीक अस जहाँ एक जगह अस आए हुए हैं और उसे जहाँ थोड़ा फर्क है उन्हें भी उसे संगत मिली है सत्संग मिली है तो उसका पूरा पूरा जो लाभ सू मिलता है। बेटा जी तुम आज शायद बड़े घट बारी से आया है पर लेकिन तुम्हें की सत्संग सुनी होगी कि काफ़ी देर से भी लगे रहे सत्संग करने जय कवि तन कवि। मेरा नाम नीत सुवंशी है। मेरे पापा का नाम रविंद सिंह है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं कबीर साहब जी के निर्माण दिवस पर कुछ दोहे सुनाना चाहती हूँ। ऐसी बानी बोली मन का पखोय मन का पखोय औरों को शीतल करे आपन शीतल होय कबीरा आपन शीतल होय बड़ा हुआ तो क्या हुआ बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर कबीरा फल लगे अति दूर साईं Thank you.
Thank you.